चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं बुनियादी तौर पर शायर, इन्होंने बताया मुझे, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ। मुझे शायर बनाने का सेहरा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे नाकिद को, क्रिटिक को, जैसे अदब की तनकीद तक अपने आप को महदूद रखता था, उसे भी शायरी करने का जौक और शौक पैदा कर दिया इस एस्टेब्लिशमेंट ने। ये इसकी एक बहुत ही मुस्बत कदर है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस एस्टेब्लिशमेंट का। और ये भी दुरुस्त है कि जब जब बहरान का दौर आता है, क्राइसिस का दौर आता है, तब तब अदब और सकाफत उस क्राइसिस के दौर में एक परचम, एक मशल लेकर उस अहद की रहनुमाई करने का काम अंजाम देती है जो उस वक्त की, जो बहरान की कैफियत होती है। आपने देखा होगा 18वीं सदी में जब हम एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे थे, हमारा मुल्क एक बहरान से गुजर रहा था, उस वक्त मीर जैसा शायर पैदा हुआ। उसी बहरान की गोद से मीर जैसा शायर पैदा हुआ। सौदा पैदा हुए, मीर दर्द पैदा हुए, मीर सोज पैदा हुए उसी बहरान के दर्द से। नजीर अकबर आबादी उसी बहरान के गोद से पैदा हुए, बतन से पैदा हुए। 19वीं सदी में उसी तरह का एक बहरान जब गालिब था तो उस दौर में गालिब पैदा हुआ, उस दौर ने गालिब को पैदा किया, उस बहरान ने, उस क्राइसिस ने गालिब को पैदा किया, मोमिन को पैदा किया, जौक को पैदा किया, बहादुर जफर को भी शायर बना दिया, एक हुक्मरान को शायर बना दिया। ये उस दौर की क्राइसिस का कमाल था, ये उसको इसका सेहरा जाता है। उसी तरह से जब हमारा मुल्क गुलाम था, उस मुल्क को गुलामी से निजात दिलाने के लिए सरफिरों की, जो आर्टिस्ट थे, जो शायर थे, जो अदीब थे, उनकी एक जमात तैयार हुई तरक्की पसंद तहरीक के जरिए, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के जरिए, प्रगतिशील आंदोलन के जरिए। उस दौर में अदीबों ने, शायरों ने, थिएटर आर्टिस्ट ने, फिल्म आर्टिस्ट ने, तमाम सतहों पर म्यूजिशियंस ने, सॉन्ग राइटर्स ने, जाहिर है कि उन्होंने उस निजाम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और उस चैलेंज को अपने उस मशल के जरिए, जाहिर है कि एक नई राह दिखाने की कोशिश की अपने उस अहद को। तो मैं इसका एतराफ करते हुए कि मैं बुनियादी तौर पर गैर शायर हूं, यहां जो बैठे हुए लोग हैं ये सब बड़े शायर हैं, मैं उनमें एक नौवारिस हूं जो नया शामिल होता है जमात में, तो मैं इनकी जमात में एक नया शामिल होने वाला शायर हूं। सोहेल साहब हमें जानते हैं, सोहेल हाशमी साहब, कि जाहिर है कि मैं बुनियादी तौर पर शायर नहीं रहा। मैं गजल पेश करना चाहता हूं और उसके बैकड्रॉप में जेएनयू है, जेएनयू का जिक्र आया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जिक्र आया, उसके बैकड्रॉप में जेएनयू है, जेएनयू का वाकया है जो 2016 में, फरवरी 2016 में जो वाकया वहां पेश आया, और जो फैज के लफ्जों में अगर मैं कहूं कि वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, ये उसी बैकड्रॉप में लिखी हुई ये गजल है। आप समाप्त फरमाएं, मुलाहजा करें गजल। फलक भी बदगुमा सा है, शबे तारीक बरहम है, फलक भी बदगुमा सा है, शबे तारीक बरहम है, मगर होगी सहर होगी यकी अपना भी मोहकम है। क्या कहने, वाह वाह वाह। फलक भी बदगुमा सा है, शबे तारीक बरहम है, मगर होगी सहर होगी यकी अपना भी मोहकम है। ये मंजर आशना सा है, राना साहब, ये मंजर आशना सा है, ये दश्ते करबला है क्या, ये दश्ते करबला है क्या, वही अजमे शहादत है, वही अलगार पैहम है। बहुत। ये मंजर आशना सा है, ये दश्ते करबला है क्या, वही अजमे शहादत है, वही अलगार पैहम है। और ये माना कचकुलाही बगावत की अलामत होती है, यानी तिरछी टोपी, ये माना कचकुलाही पे घड़ी है आजमाइश की। एक बहरान का दौर है, एक क्राइसिस, एक हमारे टेस्ट का दौर है। ये माना कचकुलाही पे घड़ी है आजमाइश की, ये माना कचकुलाही पे घड़ी है आजमाइश की,
मगर जिस सर में सौदा है न कल खम था न अब खम है। ये माना कज कुलाही पे घड़ी है आजमाइश की, मगर जिस सर में सौदा है न कल खम था न अब खम है। तेरी शाने मसीहाई अजब तुरफा तमाशा है, क्या कहने तेरी शाने मसीहाई अजब तुरफा तमाशा है। तेरे ही हाथ में खंजर तेरे ही पास मरहम है, तेरी शाने मसीहाई अजब तुरफा तमाशा है। तेरे ही हाथ में खंजर तेरे ही पास मरहम है। और ये शेर मुलाहजा करें हमारे नौजवान दोस्तों की नजर, हवा के दोष पे उड़ना इलामत बेबसी की है। दोष कहते हैं कंधा, हवा के कंधे पर, हवा के रुख में बह जाना, हवा के दोष पे उड़ना इलामत बेबसी की है। हवा का रुख बदल डालो अगर बाजू में कुछ दम है, हवा के दोष पे उड़ना इलामत बेबसी की है। हवा का रुख बदल डालो अगर बाजू में कुछ दम है। और शेर अर्ज किया है, एक मखसूस शख्सियत की नजर है ये शेर, आप सब समझ सकते हैं कि किस शख्सियत के नाम है। ये दावा पारसाई का, कभी कभी आंसू भी बहाती है वो शख्सियत, मगरमच्छ के आंसू। ये दावा पारसाई का तुझे कब जेब देता है, ये दावा पारसाई का तुझे कब जेब देता है। हजारों दाग दामन पर लहू खंजर पे दायम है, ये दावा पारसाई का तुझे कब जेब देता है। हजारों दाग दामन पर लहू खंजर पे दायम है, फलक भी बदगुमा सा है शबे तारीक बरहम है, मगर होगी सहर होगी यकी अपना भी महकम है। शुक्रिया। एक और गजल जनाब सदर आपकी इजाजत से, और ये बस दो एक दो दिनों के अंदर ये गजल मुकम्मल हुई है राणा साहब। हवाए तुंद चलाओ, तेज हवा तूफानी हवा तूफान, मजरू का शेर है ना कि सर पे हवाए जुल्म चली सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ। हवाए तुंद चलाओ तुम्हें ये कुदरत है, तुम तूफान चला सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ओनली यू कैन डू दिस ओनली। हवाए तुंद चलाओ तुम्हें ये कुदरत है, हवाए तुंद चलाओ तुम्हें ये कुदरत है, मगर चिराग जलाना हमारी फितरत है। हवाए तुंद चलाओ तुम्हें ये कुदरत है, मगर चिराग जलाना हमारी फितरत है। और शेर अर्ज किया है, कुलाह कज से तो अपना पुराना रिश्ता है, वही बगावत कुलाह कज, कुलाह कज से तो अपना पुराना रिश्ता है, कुलाह कज से तो अपना पुराना रिश्ता है। हमारे सर को झुकाना एक खाम हसरत है, नाकाम हसरत, ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी। कुलाह कज से तो अपना पुराना रिश्ता है, हमारे सर को झुकाना एक खाम हसरत है। और शेर अर्ज किया है, उगाई फसल बहुत तुमने झूठो झांसे की, बहुत उगाई फसल बहुत तुमने झूठो झांसे की, उगाई फसल बहुत तुमने झूठो झांसे की, मगर ये भूल गए सच की अपनी ताकत है। उगाई फसल बहुत तुमने झूठो झांसे की, मगर ये भूल गए सच की अपनी ताकत है। और शेर अर्ज किया है, जवां निगाहों की वीरानियां ये कहती हैं, करोड़ों नौजवान उनकी आंखों के ख्वाब छीन लिए गए, बेख्वाब हो गई उनकी निगाहें। जवां निगाहों की वीरानियां ये कहती हैं, जवां निगाहों की वीरानियां ये कहती हैं, तेरे फरेब व मकर से अब इनको वहशत है। जवां निगाहों की वीरानियां ये कहती हैं, तेरे फरेब व मकर से अब इनको वहशत है। और शेर अर्ज किया है, तुम्हारे सारे निशाने खता हुए अब तक, डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी और मंदिर मस्जिद जंग, ये सारे निशाने, तुम्हारे सारे निशाने खता हुए अब तक, तुम्हारे सारे निशाने खता हुए अब तक, हवा में तीर चलाना तुम्हारी आदत है। तुम्हारे सारे निशाने खता हुए अब तक, बहुत अच्छी बात, तुम्हारे सारे निशाने खता हुए अब तक, हवा में तीर चलाना तुम्हारी आदत है। और शेर अर्ज किया है,
तमाम जो यूनाइट आर्टिस्ट यूनाइट में जितने लोग शरीक हैं उनके नाम ये शेर नजर है। उखड़ने वाली है जुल्मत की ये तनाबें, अब जुल्मत अंधेरा तारीकी डार्कनेस, तनाबें जो खेमों में लगाते हैं रस्सियां। उखड़ने वाली है जुल्मत की ये तनाबें अब। सर हाशमी साहब खास तौर से तवज्जो चाहता हूं कि उखड़ने वाली है जुल्मत की ये तनाबें अब, धमक सहर की बताती है वक्त रुखसत है। उखड़ने वाली है जुल्मत की ये तनाबें अब, उखड़ने वाली है जुल्मत की ये तनाबें अब, धमक सहर की बताती है वक्त रुखसत है। और शेर अर्ज किया है ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो, बहुत खूबी ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो, ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो। हमारा काम मोहब्बत है बस मोहब्बत है, बहुत अच्छा हमारा काम मोहब्बत है बस मोहब्बत है। शुक्रिया नवाजुश नायक, बहुत बहुत ही खूबसूरत शायरी से अनवर पाशा साहब ने हम सबको नवाजा। आप ही देखिए कि मुल्क में जो माहौल इस वक्त बन गया है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना गरीबी की बात हो रही है, ना जहालत की बात हो रही है, ना भुखमरी की बात हो रही है, और सिर्फ बात हो रही है जंग और जदल की। और आप यकीन जानिए नफरत का माहौल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आज सुबह मेरे अखबार में